लेकिन अरशद नदीम को पाकिस्तान में कोई एक जैवलिन खरीद कर नहीं देने को तैयार था। जो अरशद नदीम सरकार से लेकर सिस्टम और तमाम बड़े लोगों के पास जाकर कह रहे थे कि सर मैं मेडल लाकर दूंगा, प्लीज आप मुझे जैवलिन तो खरीदो। आज उस अरशद नदीम को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड जो इमरान खान से लेकर वसीम अकरम को मिला था वो अरशद नदीम को मिला। सही कहा किसी ने कि वक्त की बात है भाई, वक्त बदलता है तो इंसान की हैसियत बदल जाती है। था ना कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं सब कुछ, जहां में रहता नहीं आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर तो है, 70,000 रुपए की जमीन नहीं मिली। और आज अरशद नदीम पर पाकिस्तान में इनाम की बौछार है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, नेता मंत्री विधायक पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन हर आदमी उनके साथ फोटो खिंचाकर कहना चाहता है कि अरे हमारा लड़का, हमारा लड़का, हमारा वाला, हम किए थे। और इनाम पर इनाम जा रहा है। अरशद नदीम को पाकिस्तान की सरकार अपना लाडला बना चुकी है और ऐसा इनाम दिया है जो सिर्फ 5 खिलाड़ियों को मिला। पाकिस्तान ने अरशद नदीम को उस सम्मान से नवाजने की घोषणा की जिसे पाने वाले वो 5वें खिलाड़ी होंगे। उनसे पहले अवार्ड इमरान खान, वसीम अकरम जैसे दिग्गजों को मिला। हालांकि अरशद नदीम बेहतरीन आदमी है, नीरज चोपड़ा को लेकर उनकी मम्मी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिसकी वजह से इंडिया में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की मां मेरी माँ जैसी है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मोहब्बत है मुझे अपनी, वो मेरी माँ जैसी है और उनका सम्मान है। अब नीरज चोपड़ा इंडिया लौटे, उनका स्वागत हो रहा है। उधर पेरिस ओलंपिक इतिहास रचने के बाद अरशद नदीम लौटा है। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग के साथ ही स्वागत हुआ। अरशद नदीम का प्लेन जो है आधी रात को लैंड किया, इसके बाद फैंस की भीड़ जमा हुई। पाकिस्तान की आवाम में उन्हें लेकर गजब की दीवानगी दिखी। उधर सरकार को लगा कि मौका अच्छा है, जबरदस्त तरीके से इनका स्वागत किया जाए, इनाम दिया जाए और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा कर दी गई। अरशद नदीम को जिस सम्मान से नवाजा जा रहा है वो पाकिस्तान में बहुत लोगों को मिला। अरशद नदीम को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए इम्तियाज दिया गया। ये सम्मान जो है पाकिस्तान में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में इमरान खान को मिला था। भाई इमरान खान जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे, प्रधानमंत्री रहे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे और पाकिस्तान की जनरेशन से इंस्पिरेशन रहे। हिलाल इम्तियाज पाने वाले अब अरशद नदीम 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। जेवलिन के नए ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने 100 साल के जेवलिन के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंका, उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और पेरिस ओलंपिक में उनकी कामयाबी के चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बाद ये सम्मान खिलाड़ियों में 1990 गोल्ड उसका क्या भी मारे करता है, तो तीनों वहां बच्चे के खिलाड़ी के तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बना लग रहा है। नहीं जब तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बना लग रहा है। गोल्ड उसका क्या भी मारे करता है, मेहनत करता है। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी के मैं उसको भी बीमार देती हूँ, झोपड़े से भी और उसके घर वाले से भी, उसकी माँ से भी, मेरे दर्द से बीमार है। जी उसमें एक जो स्टोर्स परिवार का स्प्रिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा है, उनको कहा बोलता उन्होंने कहा तो मेरा बेटा है। ये स्प्रिट है, मैं तो बहुत सर्विस में आपके परिवार को बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है, हाँ सर स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है उस दिन। तो जैसा हमारा सोचो में था, कामयाबी की खुशी में क्या महसूस कर रही है, रात को आपने उनको मुकाबला करते हुए देखा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आधे बेटे अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे गांव की भी शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरे बेटे के लिए इन्होंने दुआएं की और मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है और ये मेडल भी दो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप, बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था और फाइनल में उन्होंने लगातार दो बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी क्योंकि ये असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को पार किया और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे, वो भी
90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। पेडल जीत भी सकते। आप अरशद नदीम का ये घर देखिए जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में है। ये अरशद नदीम का घर है और इस घर में आपको गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अरशद नदीम इसी घर से निकलकर पेरिस पहुंचे और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उनके अपने देश ने भी कभी नहीं की थी। कैसी जगह पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। आप देख पा रहे हैं अरशद नदीम के पिता एक मजदूर हैं और अरशद नदीम पर भी शुरुआत से यही दबाव था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें। अरशद नदीम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं और उनके गांव में इतनी गरीबी थी कि उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो खेलों में कुछ करें और खेलों के कोटे से उन्हें कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए। खेलों में वो आए भी इसीलिए थे कि ये सोचकर कि कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इस तरह अरशद नदीम ने पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया और बाद में वो डिस्कस थ्रो में चले गए और डिस्कस थ्रो से होते हुए वो जेवलिन थ्रो के खेल में आ गए। वर्ष 2015 में जब अरशद नदीम ने यह सपना देखा कि वो जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल एक दिन दिलाना चाहते हैं, तब उनके पास जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और यहां अरशद नदीम की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो वो अपनी गरीबी को एक बड़ा कारण मानकर शायद कोशिश करना ही छोड़ देता और गरीबी के सामने हार जाता, गरीबी को अपना एक बहाना मान लेता, लोगों से कहता मैं कर ही कह सकता था। लेकिन अरशद नदीम ने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया और उन्होंने बांस की लकड़ी को अपनी जेवलिन स्टिक बना लिया और इस बांस की लकड़ी से कई महीनों तक वो जेवलिन थ्रो फेंकने की प्रैक्टिस करते रहे। ये तस्वीरें वर्ष 2016 की हैं जब अरशद नदीम ने रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। बहाना मान लेते हैं जो कहते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, उनके लिए खास तौर पर आज ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अरशद नदीम के गांव और उनके घर की स्थिति देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के खेल संघों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं तो अब इस गोल्ड मेडल का श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका मैच देखते हुए एक वीडियो बनवाया जिसमें वो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुद ही वो अपनी खुद की तारीफ करवा रहे हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों से आपको ये पता चलेगा एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया है और अब से कुछ ही देर बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे जहां पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा और ये इस्तकबाल की अभी शुरुआत है और इसके बाद इस इस्तकबाल को आगे चार चांद लगेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं उनके जहाज को वाटर कैनन सलूट पेश किया जा रहा है। ये जो आप पानी इन वाटर कैनन से निकलता हुआ देख रहे हैं और एक खूबसूरत मंजर आपके सामने है, जहाज जो है इन दोनों वाटर कैनन के दरमियान से गुजर रहा है और इस वक्त उनकी तैयारी को वाटर कैनन सलूट पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का मान अरशद नदीम इस वक्त पाकिस्तान की धरती पर लैंड कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ये लाइव मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनके जहाज को वाटर कैनन सलूट पेश किया जा रहा है जिसके बाद मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। टर्किश एयरलाइन का ये तैयार है और उसने माशाल्लाह मेडल जीता है, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बड़ी मेहनत की बचपन में, इसने 7-8 साल की यही थी और माशाल्लाह मेहनत करते थे। छोटी सी लकड़ी जाते थे स्कूल, छुट्टी होती थी, बैग रखते थे, घंटा दो घंटे आते नहीं थे। अच्छा। मामा पूछती थी, मामा भी अच्छे नहीं आए तो हम बोलते थे मामा वो खेल रहा है, अच्छी तरीके से बड़ा चले, अच्छी बात खेल रहा है, सही है। कहीं उठा सिंपल से घर में रहते हैं और वही पुराने जो रिवायती बर्तन है और वही जो लकड़ी है, लकड़ियों से खुद भी खाना बनाते हैं, खुद भी खाते हैं। अपने पहला जो स्कूल में जो अवार्ड जीता ना, इसी साइकिल पे गए थे, साढ़े तो आते के साथ आपका बता दिया। क्या खूबसूरत सज्जा जिसको देखकर दिल ईमान से भर जाते हैं। उसने बताया कि मां का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा उनके भी बेटे जैसा है, उन्होंने उसके लिए भी दुआ की थी। नहीं जानता बहुत कुछ है, आपने तो सिल्वर गोल्ड बना लग रहा है, गोल्ड उठा गया कर सकता कोई बात नहीं जी, ये तीनों बच्चे का खिलाड़ी है। नहीं बेटा वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी आ रहा, भाई भी आ, वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है। और वो भी मेरा बेटा है, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाब करे अलमिया, उसमें भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। अरे दोनों भाई थे, उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। नीरज चोपड़ा बच्चे खिलाड़ी है, हैरान हो गया हूँ मैं सर पर बैठ गया यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिल गुर्दा और इतना मन का बड़ा होना, दिल का साफ होना, कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफी लोगों को नहीं पता नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं वो सिल्वर पे अरशद नदीम यू नो गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात करी, उन्होंने बोला कोई नहीं ये जरा अरशद जीते हैं ना ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए होए यार ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए होए यार ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को, वो भी हमारा बेटा। क्या अर्णब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है? उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें नहीं भूलना चाहिए जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है, उसकी माँ कितनी खुश है उसके जीतने पे। उसकी क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर फेंका। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बने, सबसे बड़े एथलीट, इंडिया पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप करके आया है तो आज गर्व का विषय है। इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। अरशद नदीम has just become the first man from South Asia to cross the 90 meter barrier.
भारत के खिलाड़ियों का डोमिनेंस दिखाई दे रहा था, चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उन्होंने तो कल भारत और क्या पाकिस्तान सभी लोगों का दिल ही जीत लिया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ गोल्ड मेडल जिताया बल्कि साउथ एशिया के जितने भी जेवलिन फेंकने वाले थ्रोअर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 90.18 मीटर का भाला फेंककर नीरज चोपड़ा को भी चैलेंज कर दिया। क्या है सारे का सारा मामला, अरशद नदीम की स्टोरी क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, किस तरीके से नीरज चोपड़ा को वो चैलेंज करने वाले हैं, सारी बातें आज आपको जाननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये हो जाती है दोस्तों। अरशद नदीम का जन्म हुआ है पाकिस्तान के पंजाब के मियां चानू इलाके में। ये वही मियां चानू इलाका है जहां पर हाल ही में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी, उसी इलाके के ये एक अरशद नदीम जी हैं। इनके 5 भाई हैं, इनके फादर साहब जो हैं वो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं। हालांकि अरशद नदीम के सफर की बात की जाए तो इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था, इसी के साथ ही ये क्रिकेट के शौक के साथ साथ फिर ये एथलीट्स, जब ये एथलीट्स को देखा करते थे तो इन्हें एथलेटिक्स में आने का एक शौक किया। फिर ये शॉट पुट की ट्राई करने लगे, फिर डिस्टेंस थ्रो करने लगे, लेकिन इनके फादर साहब ने कहा कि बेटा कुछ अलग कर, जैवलिन में ट्राई कर तू। फिर ये जैवलिन फेंकने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके 2015 में ये जैवलिन की शुरुआत करते हैं और वर्ल्ड एथलीट्स से इन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और 2017 के अंदर ये पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 76.33 मीटर के साथ। हालांकि अरशद नदीम एक अच्छे खासे लंबे इंसान है, 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, 25 साल इनकी उम्र हो गई है और 95 किलोग्राम इनका भार है, यानी कि बंदे में जान की कोई कमी नहीं है और आज बंदे ने प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये सारा 2017 के अंदर ब्रॉन्ज हुआ, 2018 के अंदर इन्होंने अपना बेस्ट किया 80.45 मीटर का, फिर इन्हें दोस्तों इंजरी हो जाती है। इंजरी के बाद ये फिर कमबैक करते हैं, 86.29 मीटर का इनका बेस्ट रहता है, लेकिन जब इनकी इंजरी हुई थी ना उस गेम्स में इंजरी होने के कारण इन्होंने 76 मीटर का भाला फेंका था और 8वीं पोजीशन इनकी आई थी तो वो वहां से बाहर हो गए थे। लेकिन फिर दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ये फिर से एंट्री करते हैं और पाकिस्तान को पहली बार ये 5वीं रैंक पर लेकर आते हैं और पहला पाकिस्तानी था जो जैवलिन थ्रो के मामले में फाइनल में गया था। फिर वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर पिछली बार आपने देखा कि कंपटीशन चला था और वहां पर भी 5वीं रैंक आई थी, लेकिन दोस्तों उस एक हार ने 5वीं रैंक ने इनको इतना पक्का कर दिया कि इनके अंदर हौसला बढ़ने लगा कि यार ये मेरे छोटे कद के मेरे से कम जान वाले इतनी दूर भाला फेंक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं फेंक सकता हूं। तो यही कुछ आज इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देखने को मिला। दोस्तों वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा को हराने वाले एंडरसन पीटर्स, जिनकी हमने शॉर्ट वीडियो भी आपको बनाकर दी थी और आपने 10 मिलियन करीब 1 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देख ली है, वो एंडरसन पीटर्स भी इस फाइनल के मैच में खेल रहे थे जो 3 बार 90 मीटर का भाला फेंक चुके थे, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और 86.64 मीटर उनका हाईएस्ट थ्रो था। दोस्तों एंडरसन पीटर्स ने 88 मीटर का भाला फेंका तो इनकी भी बारी आई अरशद नदीम की, इनका एक 88 मीटर का इनका भी एक थ्रो आ गया, लेकिन उस समय दोस्तों अरशद नदीम ने अपने मन में सोचा कि ये बंदा एंडरसन पीटर्स जो कि एक ब्लैक गाय है वो अगर इतनी दूर भाला फेंक सकता है, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में इतनी दूर फेंक सकता है तो मैं क्यों नहीं फेंक सकता, मैं भी तो लंबा हूं, मेरे अंदर भी जान है। तो दोस्तों इसने अपने अंदर ठानी और इसके अंदर से दोस्तों ना जाने कैसे वो ताकत आई और इस बंदे ने 90.18 मीटर का भाला फेंक दिया और जो एंडरसन पीटर्स थे वो 86.64 मीटर से ऊपर जा ही नहीं सके और इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता ही, साउथ एशिया के अंदर रिकॉर्ड बना दिया 90.18 मीटर का, अभी बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और अगर देखा जाए तो उन्होंने भैया हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है। और हम देख रहे थे कि अरशद नदीम की माता का भैया एक बहुत ही गुड मैसेज जो है वो निराज भाई के लिए आ चुका है। आपने देखा होगा रात जिस तरह से अरशद नदीम भाई के घर में जश्न का समा था, पाकिस्तान का जितना भी मीडिया था भैया वो अरशद नदीम के घर पहुंच चुका था उनकी माता का इंटरव्यू लेने के लिए, उनके भाइयों का इंटरव्यू लेने के लिए। और अरशद नदीम की जो माता है भैया उन्होंने नीरज के लिए एक बहुत गुड मैसेज दिया है, उन्होंने बोला है कि भैया नीरज भी मेरे बेटे अरशद नदीम की तरह है और आने वाले समय में नीरज भी जो है वो बहुत अच्छा करेगा, कमबैक करेगा। आपने देखा होगा रात जैसे ही अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता हमारा भारतीय मीडिया जो है वो भैया नीरज भाई के घर पहुंच चुका था और वहां पर उनको मिली थी नीरज भाई की माता। आपने देखा होगा पिछले साल 2023 में जब टोक्यो ओलंपिक खेला गया जिसमें नीरज भैया ने अरशद नदीम को जो है वो बीट किया था, हालांकि अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, उस समय जो है नीरज की माता का ये मैसेज था कि भैया अरशद नदीम भी हमारा ही छोरा है, हमारा ही बेटा है, हरियाणवी वो बोली बोलते हैं, पाकिस्तान की जनता में से बहुत ज्यादा लोग जो है वो हरियाणवी को जानते जरूर होंगे लेकिन बोलने में दिक्कत आती है, भैया हमें भी दिक्कत आती है। और उन्होंने भी बोला था कि भैया अरशद नदीम जो है वो हमारा ही छोरा है, यानी कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो भैया दोनों देशों को मिलाने की बातें की जा रही है। अरशद नदीम की जो माता ने मैसेज किया है ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कंट्रोवर्सी फैलाने में लगे रहते हैं। अब की बारिश हो गई, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से जेएनएन थ्रो के मुकाबले में खिलाड़ी तकमा जीते पर अरशद नदीम को 1.40 लाख रुपए मिलेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। मेरे कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान किया। मेयर कराची में मुर्तजा वहाब को अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान किया। जिले का न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम स्टेडियम रखने का भी वादा किया। गवर्नर सिंह कामरान खान कसूरी ने अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने जज्बात पर काबू न रख सके। गवर्नर सिंह कामरान कसूरी ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए 10 लाख रुपए की इनामी रकम आईफोन और लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंह कामरान कसूरी का कहना था कि अरशद नदीम ने शानदार थ्रो करके ओलंपिक का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और वो इनामात के मुस्तहिक है। पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी ताजर अली शेखानी की जानिब से पेरिस ओलंपिक 2024 में रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस देने वाले जेएनएन खिलाड़ी अरशद नदीम के लिए गाड़ी का भी ऐलान किया गया। सोशल मीडिया पर मारूफ समाजी कारकुन जेडीसी के सरबराह से जफर अब्बास जाफरी की एक वीडियो वायरल। इस वीडियो में जफर अब्बास पेरिस ओलंपिक में आर्मी रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते पर मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके पाकिस्तान के लिए खदमात को सराह रही है। जफर अब्बास का कहना है कि अरशद नदीम आप पाकिस्तान आए आपका मालिहान इस्तेमाल किया जाएगा और एक चमचमाती गाड़ी आपकी मुंतजिर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि जब अरशद नदीम पाकिस्तान आ रहे होंगे तो इसी दौरान अली शेखानी भी पाकिस्तान पहुंचने वाले होंगे। अली शेखानी ने अरशद नदीम के लिए बतौर तोहफा नई नकोर गाड़ी का भी ऐलान कर दिया। अल्लाह ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है और उनके साथ साथ मेरे पेरिस ओलंपिक गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली दफा हुआ है कि हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए अल्लाह ताला ने इतनी अचीवमेंट दी है। इस मेडल के पीछे बहुत मेहनत है, गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फेडरेशन का जिनकी काशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे
गोल्ड मेडल से नवाजा है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, तो बड़ी अलहमदुलिल्लाह खुशी हो रही है। जैसे अपने वतन में वापस आया और लोगों का प्यार मैंने देखा तो एक अलग सा जो है वो जज्बा पैदा हुआ। मैं इसी तरह जो है मेहनत करता रहूंगा और पाचन के लिए मेडल जीतूंगा। नीरज चोपड़ा ने कहा कि भारतीय एथलीट ने कहा कि वो एक मां का एहसास करती है, साथ ही से बोलती है कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। याद है कि नीरज चोपड़ा